तो दोस्तों फिर से स्वागत है मैन्युफैक्चरर्स गाइड के एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया के एपिसोड में। दोस्तों आज बिजनेस आइडिया बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। दोस्तों एक बार एक आदमी सब्जियों के मार्केट में अपनी छोटी सी दुकान लगाकर सब्जियां बेच रहा होता है और उसने अपने शॉप के पीछे एक अच्छा सा बोर्ड लगाया होता है, यहां ताजी सब्जियां बेची जाती है। वहां से फिर एक कपल गुजरता है, हस्बैंड वाइफ का। वो देखते हैं बोर्ड और दुकानदार को बोलते हैं कि यहां ताजी सब्जियां बेची जाती है, क्या मतलब हुआ? यही तो बेच रहे हो, कई और थोड़ी बेच रहे हो, तो इसमें से यहाँ हटा दो, यही तो बेच रहे हो ना। तो दुकानदार बोलता है सही है मैडम, आपकी भी बात सही है, तो वो बोर्ड से यहाँ हटा देता है। अब वहाँ से और एक महाशय आते हैं, वो देखते हैं बोर्ड ताज़ी सब्जियाँ बेची जाती है, वो दुकानदार को बोलता है ताज़ी सब्जियाँ बेच रहे हो ना, सड़ी सब्जियाँ तो नहीं बेच रहे हो? अब वो बोलते हैं नहीं यार, नहीं सर जी, मैं तो ताज़ी बेच रहा हूँ। तो ताज़ी लिखने का क्या मतलब हुआ? तो दुकानदार बोलता है हाँ ये भी सही है, मैं ताज़ी सब्जियाँ बेच रहा हूँ, तो ताज़ी लिखने की क्या ज़रूरत है? वो ताज़ी बोर्ड से हटा देता है। अब वहाँ से और एक हमारे महाराज आते हैं, वो देखते हैं बोर्ड, तो बोलते भैया अरे सब्जियों की मंडी है, सब्जियों का मार्केट है, सब्जियाँ ही बेचोगे ना, खिलौने थोड़ी बेचोगे? तो बोलते हैं हाँ यार ये भी सही है, सब्जियाँ ही तो बेच रहा हूँ, तो वो सब्जियाँ भी बोर्ड से हटा देता है। अब वहाँ से एक मैडम गुजरती है, वो बोलती है अरे भाई बेचने के लिए तो बैठे हो, बेचे जाते हैं का क्या मतलब हुआ? तो दुकानदार भी ये कन्फ्यूज हो जाते हैं, अरे हाँ यार बेचे जाते का क्या मतलब हुआ बोर्ड पे? तो वो पूरा का पूरा लाइन्स ही हटा देता है, तो बोर्ड पूरा साफ हो जाता है। फिर अब बात आती है, एक और आदमी गुजरता है, वो बोलता है अरे भाई इतना अच्छा साफ बोर्ड है, तो उसमें कुछ अच्छा लिखते क्यों नहीं हो? तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि लोग आपके लाइफ में आते हैं, राइट, आपको टिप्पणियाँ देते हैं, बट आपको जो करना है लाइफ में उससे आप भटक जाते हो, आपको जो करना है वो कर नहीं पाते हो, और लोगों का सुन सुनकर आप आपकी लाइफ का सत्यानाश कर देते हो। और जब भी अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस कर रहे हो भी हम लोग ये सोचते हैं कि यार मैं मेरे पापा क्या सोचेंगे, मेरी माँ क्या सोचेंगे, मेरे आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, मेरे अंकल क्या सोचेंगे, मैं चाय बेच लूँगा, मैं वड़ा पाव बेच लूँगा। तो बिजनेस करते हो हम लोग 100 बातें सोचते हैं, और बिजनेस करना भी होता है तो वो छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही रोग को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही जबरदस्त बिजनेस लेकर आया हूँ जिसमें आप दिन का 5,000 से 10,000 रुपए की कमाई कर सकते हो। जी हाँ, इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन वाला ये जो बिजनेस है वो आज मैं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों जब प्रॉफिट दिखता है ना, जब पैसा बोलता है ना, तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी जबरदस्त हाई प्रॉफिटेबल और सालों साल चलने वाला इस गुरु उद्योग की जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ ऑनेस्ट इंजीनियरिंग से रजनी भाई सर से मिलने, जहाँ पर सर ऑनेस्टली इस बिजनेस के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। नमस्कार सर, आज हम आप लोगों के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, वो आप आपके घर पे, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कहीं भी फिट करके दिन का 10,000 रुपये लेकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अभी तक हमने हजारों लोगों को ये बिजनेस प्रोवाइड किया है, जो लोग आज तक बहुत सारा मुनाफा कमा रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी है बिजनेस चल रहा है, हम 50 साल से काम कर रहे हैं, तो समझ लो कितनी पीढ़ी चल रही होगी, बहुत सारे लोग बहुत सारा मुनाफा कमा रहे हैं सर। ये जो हमारा न्यू टेक्नोलॉजी है, घर पे कोई भी लेडीज, कोई भी महिला चला सकती है, एकदम इजी है चलाने में। ये बिजनेस में कोई ज़्यादा खिचखिच नहीं है, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, लोगों को आपको बताना नहीं है। आपके पास ये मशीन है तो लोगों को पता चलेगा, खुद आपके पास लोग आएंगे, आपको बिजनेस मिलेगा। तो दोस्तों आगे सर हमें बताएंगे ये जो बिजनेस है वो आपको कैसे करना है, राइट, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, प्रॉफिट कितना होगा, डेमो भी सर हमें बताएंगे, जो न्यू टेक्नोलॉजी सर जो बता रहे हैं जिससे आप बिजनेस शुरू करेंगे वो कैसे आपको शुरू करना है, घर पे कैसे सेटअप करना है, और बहुत सारी डिटेल जानकारी रहेगी। आपको मजा आएगा वीडियो देखने में, तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए। पहले मैं आपको नई टेक्नोलॉजी इस पलवे लाजे के बारे में बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को रोजगार का वरदान किस तरह से साबित हो रहा है, और आप एक ही मशीन से बहुत सारे बिजनेस भी कर सकते हो। इसको कितनी जगह चाहिए वो आप दे सकते हो, कितनी जगह पे फिट हो जाता है, और इतनी जगह में आप आटा चक्की का और आटा बेचने का बिजनेस भी कर सकते हो। अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ सर कि ये मशीन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले भी आटा मिलता था, पहले भी सब कुछ मिल रहा था, लेकिन पहले वाली चक्की, पत्थर वाली चक्की में जो प्रॉब्लम हो रहा था, जो मेंटेनेंस हो रहा था, जो कारीगर की अभी खपत हो रही है, मिल नहीं रहा है, हर हफ्ते में आपको पत्थर वाली चक्की खोलना पड़ता है, उसको टाकना पड़ता है, उसकी झंझट बहुत सारी है। अभी हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें ऐसा कोई भी खर्च नहीं रहता है, कोई मेंटेनेंस नहीं रहता है। ये इसलिए नहीं रहता है कि इसके अंदर मोटर जो रहती है वो हमारे पूरे ड्रम के साथ, ये चैम्बर के साथ मेल फीमेल की तरह चिपका हुआ है, एक ही साफ में सब कुछ है, तो कोई मेंटेनेंस नहीं रहता है। वो पत्थर वाली चक्की में बेल्ट मोटर अलग रहता है, उसमें बेल्ट रहता है, तो बेल्ट घूमता है तो पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा खींचता है,
और इसमें बेल्ट वीगियर वी बेल्ट गियर कुछ भी नहीं है, तो इसका पावर कंजप्शन पत्थर वाली चक्की से बिल्कुल आधा रहता है, इसीलिए आपको इसमें पिसवाने का खर्चा बहुत कम रहता है और आपको प्रॉफिट ज्यादा रहता है। तो सर ये जो मशीन है घर की बिजली पे भी चल जाएगा कि इसमें भी कुछ अलग मॉडल आते हैं? घर की मशीन के लिए सर मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास यहाँ से 2 HP से लेकर सब मशीन है। ये 2 HP वाला है, ये 3 HP वाला है, 5 HP भी है हमारे पास, 7.5 HP भी है। इसी में आपको 10 HP भी मिलेगा, 10 HP में आपको साइक्लोन वाला भी मिलेगा। और हमारे पास एक बढ़िया भी चीज़ है, यूनिवर्सल मॉडल। अगर आपके पास कोई मोटर वगैरह अलग से है तो आप इसमें लगा के आराम से पीस सकते हो। ये अलग मॉडल है आपके लिए पल्वेलाइजर, ये भी आप घर में फिट कर सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए 3-phase वाला कनेक्शन लेना होगा। तो सर अगर कोई ये मशीन लेकर अपना बिजनेस शुरू करता है आटा चक्की का, तो इसमें हम लोग क्या क्या पीस कर दे सकते हैं हमारे कस्टमर्स? मैं बताता हूँ सर आपको कि इसमें आप अनाज में कोई भी चीज़ पीस सकते हो, गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, मसाला भी आप आराम से इसमें पीस सकते हो। तो यहाँ पे अनाज तो आप कुछ भी पीस सकते हो, लेकिन अभी मैं लाइव डेमो करके दिखाऊंगा आपको, गेहूँ और उड़द की दाल के पीस के आपको बताता हूँ किस तरह से होता है। पहले हमें MCB ऑन करना है, ये MCB ऑन करते ही हमारा साइक्लोन सिस्टम पहले स्टार्ट होता है। अभी हम पल्वेलाइजर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी आपके पास कोई कस्टमर गेहूँ लेके आया पिसवाने के लिए, तो किस तरह आप पीसेंगे वो मैं समझाता हूँ। ये गेहूँ है, आप गेहूँ डालिए इसमें, इसको पूरा ओपन करना है। यहाँ पे एम्पियर सेटिंग रहता है, आप इसको एम्पियर सेट करेंगे, उसके बाद में अपना पल्वेलाइजर खुद अपना काम करेगा, अपना मैजिक दिखाएगा। पहले की जो चक्की आती थी उसमें यहाँ से पीस के आटा यहाँ पे निकल जाता था, हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है यहाँ से आटा पीस के यहाँ से ब्लोअर में मतलब साइक्लोन में चला जाता है, और यहाँ पे साइक्लोन होते गर्म हवा इस तरफ निकलती है। आप देख सकते हैं यहाँ बलून की तरह हमारे फुग्गा फूल रहा है, बलून हो रहा है, उधर से गर्म हवा निकल रही है और ठंडा आटा यहाँ पे आना शुरू हो गया है। वो पत्थर वाली चक्की से कम गर्म आटा रहता है। पहले की जो पत्थर वाली चक्की आती थी उसमें गर्म आटा इतना रहता था कि आप हाथ में नहीं डाल सकते थे। ये देखो मैं बार बार इसमें हाथ डाल रहा हूँ, बिल्कुल ठंडा आटा है, कम गर्म आटा है, आप हीटिंग बिल्कुल नहीं रहता है। इसमें बहुत ही बढ़िया पॉलिश आटा मिल रहा है, देखिए आप दिखा रहा हूँ आपको, इसकी क्वालिटी भी आप देखिए, एकदम मक्खन जैसा आटा है। आप देख रहे हैं कि अब हमारा पल्वेलाइजर काम कर रहा है, वर्किंग चालू है, फिर भी कहीं से भी आटा उठने की या डस्ट उठने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ये अभी पीस के तैयार हो गया है, अभी आप एक कस्टमर को दे सकते हो और एक कम गर्म आटा आप कस्टमर को आराम से दे सकते हो। अच्छा अभी हमने गेहूँ पीसा, गेहूँ का आटा हमने आपको दिखाया, अभी कोई कस्टमर और आया आपके पास उलद की दाल लेके, तो ये उलद की दाल है, हम उसको पीस के डाल दिखाते हैं आपको। बैक टू बैक डाल सकते हैं ना सर? बैक टू बैक डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीसना अभी शुरू हो गया है उलद की दाल, उलद की दाल यहाँ से पूरा पिसाई हो रही है, पिसाई होने के बाद यहाँ से साइक्लोन में जा रही है, गर्म हवा जो है वो बाहर निकल रही है, और अपना कम गर्म आटा कम हीटिंग वाला अभी शुरू हो गया है उलद की दाल का। वाह, मैं आपको दिखाता हूँ कितना बढ़िया आटा है उलद की दाल का, वो देखिए आप, इसकी क्वालिटी देखिए, आपको समझ में आ रही है मेरे हाथों की, देखो इसमें इस तरफ से अंदर घुस जा रहा है, बहुत ही फाइन आटा मिल रहा है आपको। जैसे आपके पास कस्टमर कोई भी आता है उसको ज़्यादा आटा चाहिए, मोटा आटा चाहिए, एकदम पतला चाहिए, बारीक चाहिए, उसी मुताबिक आप जाली का चयन करके इसके अंदर डाल के आप उसको बढ़िया से बढ़िया आटा दे सकते हैं। कि हमारी नई टेक्नोलॉजी का मशीन परचेज करते हैं तो साथ में आपको क्या क्या जाली मिलेगा, एकदम बारीक से बारीक आटा लेकर, मैदे जैसा आटा लेकर एक दाने का 3 टुकड़ा कर सके उतनी जाली आपको साथ में ही मिलेगी। आप दिखाए, आपको दिखाई दे रही है पूरी लाइन आपके सामने है, इस तरह का जाली का पूरा सेट आपको साथ में मिलेगा। तो सर अगर किसी को ये मशीन लगाकर अपना बिजनेस शुरू करना है, तो समझो मैंने मशीन भी ले लिया, परचेस कर लिया, सेटअप भी कर दिया, मेरे पास काम कहाँ से आएगा, काम करने का क्या तरीका है मार्केट में, वो ज़रा बताइए। लोग आपके पास सामने से आएंगे, गेहूँ है, बाजरा है, ज्वार है, कोई भी अनाज लेके आए, ड्राई आइटम आप इसमें पीस सकते हो, तो आप उसको चार्ज लगा के पीस के आराम से आप उसको दे सकते हो, आराम से बिजनेस कर सकते हो। सर दूसरा तरीका आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, आप बाहर से गेहूँ ले लो, एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ कि बाहर से आपने गेहूँ ले लिया, उसको पीस कर आपने अपना पैकिंग कर दिया, अपना खुद का ब्रांड लगा दिया, फिर आपने मार्केट में बेचा, तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, आपकी खुद की ब्रांड हो जाएगी, खुद बड़ा बिजनेस हो जाएगा आपका। मेन जो चीज़ है उसमें प्रॉफिट की, प्रॉफिट कितना होगा वो ज़रा बताइए। अगर बात की जाए सर कि पत्थर वाली चक्की और हमारे नए टेक्नोलॉजी में कॉस्ट वाइज क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि बाहर पत्थर वाली चक्की में आप पीसवाने जाते हो कि 1 kg का आपको अप्रोक्स कॉस्ट
5 से 7 रुपया पड़ता है। अच्छा। और हमारी जो पल्वेलाइजर है नई टेक्नोलॉजी, उसमें आप 1 kg में 70-80 पैसे कॉस्ट लगती है आपको। अरे बाप रे। तो आप समझ रहे हैं कि आपको कितना मुनाफा हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है। जब कस्टमर आपके पास बाहर से पिसवाने आता है गेहूँ मक्का बाजरा ज्वार कुछ भी लेके, तो आप उसको 1 kg का चार्ज 5 से 7 रुपये लगाएंगे, जबकि आपका कॉस्ट 1 kg का 70-80 पैसा है, तो आपको बहुत मुनाफा हो रहा है। तो कैलकुलेट करने से आपको पता चल जाएगा कि आपको 1 kg का 5 रुपये अप्रोक्स मुनाफा हो रहा है। सर ये हमारा नया टेक्नोलॉजी है, वो 1 घंटे का 250 से 350 kg 1 घंटे में एवरेज देता है। तो अगर समझो किसी नए बंदे ने या किसी महिला ने या किसी मोहल्ले में यूज़ करने के लिए हमारा ये पल्वेलाइजर लगाया है, तो 1 दिन का समझो अप्रोक्स वो 500 kg आराम से पीसेंगे, 1 दिन में वो 2500 से 3000 रुपये आराम से मुनाफा कमा सकते हैं। और मैं आपको ज़्यादा बताना चाहूँगा सर जी, जिन्होंने हमारा पल्वेलाइजर पहले से यूज़ किया है, पहले से ले लिया है, उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, वो आज 10,000 से लेकर 12,000 रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं ये मशीन में। अगर आप हमारी मशीन लेकर बिजनेस करते हैं और उसमें अगर आपने मन लगा के मेहनत करके अगर आपने काम किया, हम लोग हमारे कैटलॉग में मेंशन करते हैं कि आपके 6 महीने में इसका इन्वेस्टमेंट आपको निकल जाएगा। तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी आएगी? सर अभी जो आपने डेमो देखा वो हमारा मेन मशीन है पल्वेलाइजर, हमारे पास 2 HP से लेकर 20 HP तक का है। 2 HP हमारा 28,000 रुपये में आता है, उससे जैसी आपकी कैपेसिटी है, जैसा आपको छोटा बड़ा बिजनेस करना है, वो आराम से आप वो परचेज कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे।